आई नो यार अंडर 30,000 में राजन 550 से है ना जी के साथ बहुत अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो, यानी कि एक बजट गेमिंग एंड बजट एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा पीसी बिल्ड हो सकता है राजन 550 से है जी के साथ। बट आज मैं ऐसा कुछ करने के लिए यार बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो आज मैं बेसिकली यार अंडर 30,000 में जो इंटेल की तरफ से उनका i5-12400 CPU है उसके ऊपर पीसी बिल्ड को सर्च करने वाला हूँ। मतलब आप सोचोगे ये क्या बेवकूफ़ी वाले काम है। तो देखो मतलब जिनको यार मतलब राजन 550G के साथ पीसी बिल्ड नहीं करने हैं कहते एंड, तो उनके लिए ये बहुत सही रहेगा। एंड ऑब्वियसली मुझे पता है जो राजन 550G एंड जो i5-12400 ऑब्वियसली राजन 550G का जो GPU परफॉर्मेंस है वो डबल है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। और यहाँ पे जो 12400F CPU है ऑब्वियसली i5 वो यार CPU मतलब ऑब्वियसली CPU परफॉर्मेंस है बहुत आगे है इस कंपेरिजन राजन 550G से। एंड तो देखो ये जो पीसी बिल्ड मैं उन लोगों को रेकमेंड करूँगा, अभी तो मतलब ज़्यादा कुछ गेमिंग रेटिंग ऐसा कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, बाद में अच्छा सा ग्राफिक्स एड ऑन कर लेंगे लाइक RTX 4060 4070 तक। एंड और जिनको यार मतलब स्टार्टिंग से ही गेमिंग रेटिंग ये सब काम करना है अंडर 30,000 पीसी बिल्ड किया, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा राजन 550G, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इस बिल्ड में जो आपको मैंने CPU सर्च कर रहा हूँ ऑब्वियसली दैट इज इंटेल कोर i5-12400 एंड ऑब्वियसली इसके अंदर आपको इंटीग्रेट GPU मिल जाएगा। एंड ये जो CPU हो मतलब मिल जाएगा अंडर 15,000 के अंदर, वो डिपेंड करेगा वेबसाइट टू एप्स एंड स्टोर टू स्टोर डिपेंड करेगा, बट ऑनलाइन मार्केट में आपको आराम से 15,000 के अंदर ये मतलब CPU मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये 12 जन का CPU है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 कोर के साथ 12 थ्रेड, साथ में मैक्स टाइप बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा अप टू 4.40 GHz के साथ, 18 MB इंटेल स्मार्ट कैश मेमोरी मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेल की तरफ से उनका USD ग्राफिक्स मिल जाएगा, ऑब्वियसली IGPU थोड़ा बहुत आपको गेमिंग एडिटिंग कर बाद एकदम बेसिक लेवल पे। ऑब्वियसली जो राजन 550G उससे तो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं निकल पाएगा ये जो 12400, बाकी थोड़ा बहुत करवा देगा आपका जो भी बेसिक काम वगैरह है, बाकी बाद में अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड एड ऑन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक कूलर को ही यूज़ करा गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज यार ऑब्वियसली सिस्टम का बैकबोन, मतलब ऑब्वियसली पूरे पीसी बिल्ड का बैकबोन होता है दैट इज यार ऑब्वियसली मदरबोर्ड। आपको समझ आ गया होंगे मैं किसके बात कर रहा हूँ। तो इस बिल्ड में आपको मैंने 6500 के अंदर एक मदरबोर्ड सर्च कर रहा हूँ एंड दैट इज यार MSI Pro X610 ME मदरबोर्ड है, ऑब्वियसली ये DDR4 मदरबोर्ड है, बाकी ये 12 जन CPU को सपोर्ट करता है। एंड ये जो मदरबोर्ड का प्राइस दैट इज Amazon में आपको मिल जाएगा 6500 के अंदर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मिल जाएगा मतलब H610M चिपसेट के साथ LG1700 CPU सॉकेट एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिर्फ 2 RAM स्लॉट, ठीक है। तो बाकी आप इसमें लगा सकते हैं अप टू या DDR4 64GB तक मैक्सिमम रैम को लगा सकते हैं, जो कि 3200 MHz तक मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा यार जो एक PCIe Express Gen 3 का एक M.2 NVMe SSD के लिए स्लॉट एंड साथ में आपको मिल जाएगा PCIe Express Gen 4 का एक X16 स्लॉट जो कि ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए। एंड यहाँ पे आपको जो मॉनिटर लगाने के लिए आपको पोर्ट मिल जाएगा एक VGA पोर्ट के साथ और एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे आपको दो मॉनिटर मतलब एक साथ दो मॉनिटर लगा सकते हैं, डुअल मॉनिटर सेट आपको आप चला सकते हैं इसमें आराम से। एंड ठीक ठाक मदरबोर्ड है एंड जो 12400 ये जो CPU आराम से हैंडल कर लेगा। एंड बाद में जब अगर आप यार RTX 3060 जैसा ग्राफिक्स कार्ड भी अगर चलाओगे तो तब भी ये जो मदरबोर्ड है आराम से हैंडल कर लेगा, मतलब आराम से कंट्रोल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड 6500 के हिसाब से बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। एंड ऑब्वियसली जो नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज रैम स्टिक एंड इस बिल में आपको 8GB का सिंगल स्टिक रैम किट को साइज कर रहा हूँ, जो कि 8GB से भी ये सारे कंपोनेंट आराम से काम चला लेगा, ठीक है। तो बाकी बाद में यार और एक यार 8GB आप एड ऑन कर सकते हैं जो कि टोटल आपके पास 16GB हो जाएगा। बाकी बिल्ड के तो आपको यार सजेस्ट कर रहा हूँ मैंने यार 8GB का सिंगल स्टिक एंड ये जो रैम स्टिक यार आपको मिल जाएगा अमेजोन में 1800 के अंदर, जो कि बहुत फेमस रैम है। ज़्यादातर रैम बजट में जितने पीसी को बिल्ड किया जाता है ना ये रैम किट को यूज करा जाता है। एंड दैट इज यार XVGA DDR3 30 8GB का सिंगल स्टिक रैम है, बाकी ये मिल जाएगा आपको यार मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता प्राइस में 1800 के अंदर। एंड यहाँ पे को मिल जाएगा ऑब्वियसली DDR4 मेमोरी टाइप के 3200 MHz का मेमोरी फ्रीक्वेंसी, बाकी लाइफ टाइम वारंटी मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। एंड ऑब्वियसली इसका जो लुक है नेक्स्ट लेवल खतरनाक है। एंड नेक्स्ट अप द ऑब्वियसली स्टोरेज डेप्थ एंड इस बिल में 500GB का एक्वा यार एक M.2 NVMe SSD को सर्च कर रहा हूं, जो कि यार मेरे हिसाब से 500GB NVMe SSD मोर देन अप हो जाता है। एंड इस बजट के हिसाब से मतलब 30,000 में किसी भी पीसी बिल के तो 500GB मोर देन अप हो जाता है, बाकी बाद में एड ऑन कर सकते हो अगर आपका
का स्टोरेज का नीड है तो ठीक है। तो ये जो मतलब NVMe SSD आपको मिल जाएगा 3000 का अंदर, एंड ये Corsair जैसा ब्रांड की तरफ से था, दैट इज Corsair P3 500GB का एक M.2 NVMe SSD है, जो कि मतलब 500GB से आराम से बिलाल के तो काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे सपोर्ट करता है PCI Express Gen 3 प्लेटफॉर्म। एंड यार यहाँ पे अगर मैं इस SSD का स्पीड के बारे में बात करूँ तो यानी कि इस SSD का जो रफ्तार है वो कितना ज्यादा तेज है, खतरनाक, बहुत तेज है, लिटरली कहते तेज है प्राइस के हिसाब से तो। एंड इस SSD का जो रेट स्पीड है वो यार आपको मिल जाएगा अपटू 3500 MBPS के, जो राइट स्पीड है वो आपको मिल जाएगा 3000 MBPS, जो कि प्राइस के हिसाब से तो बहुत सही। एंड बिलाल के तो 500GB का आपको यार NVMe SSD को सजेस्ट कर रहा हूँ, बाद में एड ऑन कर सकते, लगा सकते अगर आपको नीड है तब, ठीक है। एंड यार हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज एयर पावर सप्लाई। एंड ऑब्वियसली इस कंपोनेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा वाट का पावर सप्लाई था, ऑब्वियसली नीट नहीं पड़ेगी, मतलब आराम से 450 वाट से भी पावर आप हो जाता था। एंड बट यार मैंने आपको 500 वाट का एक पावर सप्लाई को सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि 500 वाट थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बिलाल के लिए तो आप अगर 450 वाट पावर सप्लाई लगाओगे तब भी पावर आप कर लेगा आराम से। एंड इस बिल में जो आपको मैंने पावर सप्लाई सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज़ यर एंटी स्पोर्ट BS500L, एंड ऑब्वियसली 500 वाट का पावर सप्लाई बेसिक से नॉर्मल सा 500 वाट का पावर सप्लाई है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा कुछ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बस यार बेसिक से नॉर्मल पावर सप्लाई। एंड ये मतलब नॉन मेडुलर हाई एफिशिएंसी पावर सप्लाई एंटी स्पोर्ट जैसे ब्रांड की तरफ से था। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जो मतलब पावर सप्लाई का प्राइस दैट इज ईयर 2000 के अंदर ये जो पावर सप्लाई आपको आराम से मिल जाएगा, मतलब ऑनलाइन मार्केट में ऑब्वियसली। एंड ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आप जो भी जितने अच्छा कंपोनेंट लगा रहे हो, एंड अगर आपका पावर सप्लाई नहीं अच्छा नहीं है ऑब्वियसली तो जो आपका परफॉर्मेंस है वो सही नहीं मिलेगा। एंड ऑब्वियसली किसी भी कंपोनेंट के ऊपर कुछ हो सकता है, ठीक है, तो वो देख लेना। एंड ऑब्वियसली पावर सप्लाई 2000 के हिसाब से बहुत अच्छा है। एंड देखो नेक्स्ट कंपोनेंट यार कैबिनेट, तो देखो कैबिनेट में ऐसा तो कुछ ज़्यादा मैं रेकमेंड करता नहीं हूँ बिल्कुल, बट अपने हिसाब से जो भी कैबिनेट आपको पसंद आए वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिलाल के तो आपको यार 3 कैबिनेट को सजेस्ट करने वाला हूँ। एंड जो ये जो कैबिनेट है सारे कैबिनेट आपको 2500 के नीचे मिल जाएगा, जो भी आपको पसंद आए वो लगा सकते हैं। अदरवाइज ये सारे मतलब कैबिनेट पसंद नहीं आते हैं तो अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एंड यार जो पहला कैबिनेट है वो है जेब्रोनिक जैसा ब्रांड की तरफ से आता है, दैट इज यार जेब्रोनिक एटॉमिक मिड टावर कैबिनेट है। एंड यहाँ पे इस कैबिनेट यार आपको मिल जाएगा दैट इज यार 2500 के अंदर। एंड यहाँ पे इस कैबिनेट के जो फ्रंट पैनल में उसमें आपको मिल जाएगा एक RGB स्ट्रिप, जो कि इनका लुक खतरनाक निकल कर आ जाता है। साथ में आपको मिल जाएगा 120mm का RGB फैन, वो भी रियर में प्री इंस्टॉल, ठीक है। एंड यार जो दूसरा कैबिनेट है वो भी यार जेब्रोनिक की तरफ से आता है, दैट इज यार जेब्रोनिक अगन मिड टावर कैबिनेट है। ये कैबिनेट का प्राइस है दैट इज यार 2500 के अंदर। एंड इसमें भी आपको मिल जाएगा RGB स्ट्रिक एक फ्रंट पैनल में, साथ में रियर पैनल में आपको मिल जाएगा एक 120mm का RGB फैन ऑब्वियसली प्री इंस्टॉल। एंड जो मतलब तीसरा कैबिनेट के साथ लास्ट कैबिनेट है वो यार एंटी स्पोर्ट जैसे ब्रांड की तरफ से आता है, ये भी 2500 से 2600 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा ऑनलाइन मार्केट में। बाकी ये जो कैबिनेट इनका लुक भी बहुत सही है। एंड यार दैट इज एंटी स्पोर्ट S3 मीटर कैबिनेट है। एंड ऑब्वियसली इस कैबिनेट के अंदर भी आपको मिल जाएगा फ्रंट पैनल में 2 RGB स्ट्रिप, साथ में आपको मिल जाएगा रियर में मतलब 120mm का RGB फैन प्री इंस्टॉल, ठीक है। तो जो भी यार आपको कैबिनेट पसंद है वो ही लगा सकते हो एंड अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये तीनों कैबिनेट से जो भी पसंद है वो लगा, मतलब अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, वो मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। बाकी सारे कंपोनेंट का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, ऑब्वियसली कर लेना, ठीक है। तो ये जो मतलब PC बिल आपको बता रहा हूँ मतलब अंडर 30,000 में, ये जो मतलब जिनकी यार अभी तो गेमिंग एडिटिंग स्टार्टिंग से ऐसा कुछ करना नहीं है, बाद में अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड एड ऑन कर लेंगे, बाद में गेमिंग एडिटिंग ये सब काम करेंगे तो उनके लिए तो बेस्ट होगा। बाकी जो लोग यार स्टार्टिंग से गेमिंग एडिटिंग स्ट्रीमिंग मतलब ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग तो नहीं सॉरी यार तो जो लोग यार स्टार्टिंग से अंडर 30,000 में गेमिंग एडिटिंग मतलब बेसिक लेवल पे करना चाहते हो तो उनके लिए तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से दैट इज राजन 5 5600G, तो उनके लिए तो ये CPU सही रहेगा। बाकी जो लोग यार थोड़ा बहुत आप बिलाल के कैजुअल गेमिंग करेंगे बट यार उनको इंटेल की तरफ से जाना है, वो भी लेटेस्ट ऑब्वियसली लेटेस्ट तो नहीं बट 12th जन के ऊपर जाना है, एंड जो CPU परफॉर्मेंस वो बहुत खतरनाक वाला चाहिए, तो उनके लिए तो इंटेल की तरफ से जो कोर i5 12400 ये जो CPU उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो बाकी यार इतना मिलता है किसी और एक दिन, आज के लिए यार बाई।